खाते गांव विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के द्वारा नामांतरण पंजीय का रिकॉर्ड रूम आधुनिक बनाया गया है। शासन की मंशा अनुसार क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी एरिया के लोगों को नामांतरण पंजी के लिए व पुराना रिकॉर्ड के लिए मुख्यालय जाना होता था, जिससे संबंधित का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता था। इसी तारतम्य में खातेगांव तहसील में आधुनिक रिकॉर्ड रूम बनाया गया है, जहां क्षेत्र के किसानों को नामांतरण पंजी की आवश्यकता लगती है उन्हें शासन के नियमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं क्षेत्र के किसान की मांग पर सरकार ने जिस प्रकार नामांतरण पंजी रिकॉर्ड उपलब्ध खातेगांव में कराया है, उसी प्रकार अभी किसानों को खसरा खतौनी नक्शा के लिए जिले में जाना होता है, जो कि खातेगांव ब्लॉक से तकरीबन 125 किलोमीटर दूरी पर है, जिससे किसानों को आर्थिक व्यय के साथ साथ समय की भी बर्बादी का सामना करना पड़ता है। खातेगांव तहसील के अंतर्गत रिकॉर्ड रूम में आधुनिक रूप जो दिया गया है उसमें अभी पर्याप्त मात्रा में जगह है। इसी रिकॉर्ड रूम में अगर जिले के अधिकारी खसरा खतौनी नक्शा का रिकॉर्ड भी देवास से खातेगांव को उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित ही किसानों का पैसा और समय दोनों बचेगा। उसी को लेकर विधायक आशीष शर्मा ने खातेगांव में बने आधुनिक रूम का निरीक्षण किया व अधिकारियों से इस विषय में चर्चा की कि विधायक आशीष शर्मा व तहसीलदार आर के गुहा ने हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए बताया, मध्यप्रदेश राजस्व रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण की दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है और हमारी कई तहसील है जो पूरी तरह डिजिटलाइज हो चुकी है। हमारे खातेगांव में भी आधुनिक खसरा बी वन पंजीयन के रूम जहां बनाए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से राजस्व रिकॉर्डों को रखा जा रहा है। कुछ रिकॉर्ड यहां देवास कलेक्टर कार्यालय से आना शेष है, अतिशीघ्र यहाँ के किसानों को डिजिटल राइन्स रिकॉर्ड तक ही जगह पर मिल जाएगा और मैं स्वतः ही इसको मानता हूँ। खसरा खतौनी के लिए जो किसान जगह जगह परेशान होता है उनको एक ही जगह पर समस्त सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर। जी हाँ, ये उपलब्ध तो हो सकती है क्योंकि आपने अभी संज्ञान में भी लाए हैं और ये पुरानी बहुत पुरानी योजना है और इसी योजना को ध्यान में रखते हुए हमारे आधुनिक जो अभिलेखागार यहाँ बनाए गए थे तहसील स्तर पर और हमारे यहाँ तैयार भी है और बड़ी अच्छी स्थिति में भी है और जिस दिन हमको न्याय वहाँ से जिला अभिलेखागार से पुराने खसरे विवरण नक्शे सभी मिल जाएंगे तब से हम लोग यहाँ ही उनको सुविधा देना उचित होगा, उनको हम दे देंगे सुविधा। पर अभी उनको हमारे पास केवल विवरण पुरानी पंजीय वंजीय उपलब्ध है जो हमारे पास हम वही दे पाते हैं और जिले का रिकॉर्ड हम नहीं दे पाते, ये सही है और इस संबंध में हम अपने AGM महोदय को भी अवगत कराकर उनसे पत्र कार्रवाई करवाएँ। किसान जो खसरा खतौनी के लिए जगह जगह परेशान होते हैं उनको एक ही जगह पर समस्त सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार के विभाग के माध्यम से मिल सके। भाई साहब, यहाँ अभी खसरा खतौनी की उपलब्धता नहीं है, कलेक्टर में जाना पड़ता है, करीबन 150 किलोमीटर यहाँ किसान को परेशान होता है, आप क्या आगे इसके लिए प्रयास करेंगे? आज ही कलेक्टर देवास से बात करूँगा और खसरा खतौनी और बीवन जो वहाँ पर रिकॉर्ड रूम में रखा है उसको हम यहाँ पर बुलवा देंगे ताकि किसानों को अपनी नकल लेने के लिए किसी भी तरह से देवास नहीं कर रही है। देवास से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।